तो दोस्तों हमने भी मंगा लिया है टेक्नो स्पार्क 8, क्योंकि ये जो मोबाइल है बजट मोबाइल है, तो इसके हम करने वाले हैं अनबॉक्सिंग और आपको बताएंगे कि ये मोबाइल इस बजट में आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। तो सबसे पहले मैं इसकी प्राइस बता देता हूँ दोस्तों, इसकी जो प्राइस मिलती है 9,790 रुपये, जो कि एक हम बजट मोबाइल बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 10,000 के नीचे मोबाइल मिलता है। और उसकी जो रैम मिलती है 3GB और 32GB इंटरनल स्टोरेज मिलती है। और दोस्तों इसके अंदर जो फीचर्स वगैरह हैं काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं इस प्राइस के अंदर, तो वही बताने वाले हैं। वीडियो को एंड तक देखते रहिए। तो अनबॉक्सिंग को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए। तो जल्दी से करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों कुछ इस तरह का है टेक्नो स्पार्क 8 का बॉक्स, और दोस्तों ये देख सकते हो यहाँ पे, और पीछे देखते हैं तो इसके दोस्तों यहाँ पे लिखा गया है 16 मेगापिक्सल का AI एनहांस्ड ड्यूल कैमरा मिलता है, और दोस्तों 5000 mAh की बैटरी मिल रही है, जो कि इस बजट में काफी ज्यादा। वैसे तो सभी मोबाइल्स में भी 5000 mAh की बैटरी आ रही है। और दोस्तों 16.66 सेंटीमीटर की HD+ डॉट नॉच स्क्रीन मिलती है। तो जल्दी से करते हैं इसको अनबॉक्स और आपको दिखाते हैं इसको बोलकर, क्योंकि इसकी जो डिजाइनिंग है सबसे ज्यादा बेस्ट होने वाली है। तो ये देखिए दोस्तों कुछ इस तरह का मोबाइल। दोस्तों यहां पे टेक्नो के अंदर पता नहीं यहां पे जो मोबाइल के ऊपर एक पॉलिथीन आती है वो क्यों नहीं देते, यहां पे सीधा दिया गया है। इसको फोन को एक बार साइड में रखते हैं, दिखाता हूं मैं अंदर क्या क्या मिलता है आपको। तो यहां पे IMEI नंबर मिलते हैं और देखते हैं क्या है। तो यहाँ पर मोबाइल से ज़्यादा यहाँ पे कवर की सेफ्टी मिलती है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हो कवर इसका काफ़ी अच्छा सा दिया गया है मुझे लगता है। हाँ दोस्तों काफ़ी अच्छी क्वालिटी का कवर है, ये देखिए थोड़ा अलग सा कवर दिया गया है, और ये कुछ डॉक्यूमेंटेशन दिए गए हैं। और ये देखिए दोस्तों यहाँ पे चार्जर मिलता है, जो कि नॉर्मली चार्जर है, मुझे ज़्यादा भारी तो नहीं लग रहा, ये कोई हल्का ही चार्जर है। और देखते हैं टाइप सी नहीं है दोस्तों, माइक्रो यूएसबी केबल मिलती है, तो ये देखते हैं बस। और यहाँ पे सिम रिजेक्टेड टूल मिलता है, तो इनको रखते हैं साइड में और अब देखते हैं हमारे प्यारे से मोबाइल को। गाइस मुझे इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज लगी वो है इसकी डिजाइनिंग। इतने दिन हमने देखा होगा वीवो ही डिजाइन करता है मोबाइल को, पर दोस्तों अब टेक्नो भी धीरे धीरे मोबाइल्स की डिजाइनिंग में काफी ज्यादा फर्क ला रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 8 की जो डिजाइनिंग है काफी अच्छी सी मिलती है। और दोस्तों इसके अंदर ड्यूल कैमरा मिलता है, पर यहाँ पे काफी जगह छोड़ी गई है, पता नहीं क्यों यहाँ पे क्यों छोड़ी है जगह। अगर चाहते तो और कैमरा भी कर सकते थे, पर यहाँ पे ऐसी जगह छोड़ी है डिजाइनिंग के लिए। और दोस्तों इसके पीछे ही आपको फिंगर मिलता है, और अगर बात करें तो दोस्तों ऑन ऑफ बटन मिलता है आपको राइट साइड में, और वॉल्यूम बटन भी आपको राइट साइड में मिलते हैं। और नीचे की बात करें तो दोस्तों स्पीकर मिलते हैं, माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिलता है, और दोस्तों 3.5mm का जैक भी मिलता है, और माइक भी मिलता है। और अगर लेफ्ट साइड की बात करें तो सिम टूल मिलता है, और दोस्तों यहां पे 2 SIM और 1 memory card साथ में लगा सकते हैं, और दोस्तों ऊपर आपको कुछ भी नहीं मिलता है। और तो दोस्तों डिजाइनिंग के मामले में काफी अच्छा लगा मुझे टेक्नो स्पार्क 8। और अगर इसकी डिस्प्ले की बात करें तो दोस्तों इसकी जो डिस्प्ले मिलती है 6.52 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है, एक बड़ी सी डिस्प्ले मिलती है, HD+ डिस्प्ले मिलती है। तो डिस्प्ले भी टेक्नो स्पार्क 8 की काफ़ी अच्छी तो नहीं पर अच्छी कह सकते हैं, मतलब इस प्राइस के अंदर, क्योंकि इसकी प्राइस जो है वो 10,000 के नीचे है, तो इस प्राइस के अंदर आपको डिस्प्ले भी अच्छी सी मिलती है। तो दोस्तों अब बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की। तो इसके अंदर मिलता है आपको MediaTek Helio A25, आपने P35 या अलग देखा होगा, पर इसके अंदर जो मिलता है A25, और हमने इसको टेस्ट तो नहीं किया है, पर शायद मेरे हिसाब से ये एक नॉर्मल सा प्रोसेसर है। अगर आप इसको गेमिंग के लिए खरीदना चाहते हो तो बिल्कुल भी नहीं है शायद मेरी तरफ से, और मैं अगर रिव्यू करूंगा इसका देखेंगे गेम खेलकर, पर जब तक मुझे लगता है कि ये गेमिंग के लिए नहीं, ये नॉर्मल यूज के लिए। अगर नॉर्मल गेम्स वगैरह खेलते हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप फ्री फायर, BGMI या कोई और बड़ा गेम खेलना चाहते हो तो शायद मेरी हिसाब से ये मोबाइल नहीं है। तो अगर आप नॉर्मल यूज़ के लिए चाहते हो तो आपके लिए ये टेक्नो स्पार्क 8 काफ़ी अच्छा मोबाइल है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है, पर गेमिंग के लिए मैं इसको सजेस्ट नहीं कर रहा। और अगर इसकी बैटरी की बात करें तो दोस्तों 5000 mAh बैटरी मिलती है, जो कि इस हद तक काफ़ी अच्छी बैटरी है। वैसे तो सभी मोबाइल्स में 5000 है, पर 5000 टेक्नो तो काफ़ी पहले से दे रहा है, अभी तो 6000 7000 mAh भी दे रहा है टेक्नो,
तो टेक्नो काफी ज्यादा तरक्की कर रहा है, क्योंकि दोस्तों टेक्नो के जो मोबाइल इतने सस्ते इसलिए मिलते हैं क्योंकि टेक्नो ग्रो करना चाहता है। टेक्नो अभी ओप्पो वीवो या अलग कंपनी जो भी है उनसे काफी नीचे है, तो ऊपर जाना चाहता है, इसीलिए मतलब इतने सस्ते हैं। और दोस्तों इनकी स्क्रीन रिप्लेसमेंट गारंटी भी आती है टेक्नो के अंदर, शायद इसकी तो मुझे नहीं पता है कि नहीं है, पर जो टेक्नो के मोबाइल्स आते हैं उनकी अगर 90 दिन के अंदर स्क्रीन टूट भी जाती है तो भी रिप्लेस होती है। ऐसी दूसरी कंपनी मेरे हिसाब से शायद ही है जो टच स्क्रीन को भी यहाँ पे रिप्लेस करके देती है, तो ये भी काफी अच्छा ऑप्शन देता है यहाँ पे टेक्नो। और कैमरे की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे दो कैमरे मिलते हैं, जिसमें जो रियर कैमरा मिलता है आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का, और जो फ्रंट कैमरा है वो मिलता है आपको 8 मेगापिक्सल का। तो दोस्तों इस बजट के अंदर मैं ये कैमरा आपके लिए मतलब सही बता सकता हूँ, क्योंकि ये जो कैमरा है काफी अच्छा सा कैमरा है। इसके अंदर 9000 रुपए की प्राइस में दोस्तों एक नॉर्मल सा कैमरा अच्छा है, क्योंकि और जो मोबाइल हैं 10000 के नीचे हैं उनको भी आप देख सकते हो, उनके कंपैरिजन में ये कैमरा भी बढ़िया है। और इतनी अच्छी डिजाइन नहीं मिलेगी चाहे आप कोई सा भी मोबाइल ले लो 10000 के नीचे। तो दोस्तों अगर मैं मेरा रिव्यू दूं आपको कि ये मोबाइल आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो दोस्तों मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि ये जो मोबाइल है ये मिलता है आपको 9000-9500 रुपए के अंदर मिलने वाला है, और 3GB और 32GB रैम है। तो दोस्तों अगर आप चाहते हो तो Realme में भी खरीद सकते हो, उसके अंदर 4/64 के अंदर मिल जाएगा, यानी कि 4GB रैम और 64GB इंटरनल स्टोरेज के अंदर भी आपको 10000 के नीचे मिल सकते हैं, काफ़ी सारे मोबाइल्स हैं तो उनको भी आप जाकर देख सकते हो, वो कोई बड़ी बात नहीं। पर मुझे जो इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह और इतनी बड़ी डिस्प्ले ये सब कुछ अच्छा लगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मंगवाया इसको ऑनलाइन, और आपको बताया है कि अगर आप खरीदना चाहते हो तो ये भी खरीद सकते हो, काफ़ी अच्छा सा बजट मोबाइल है। तो दोस्तों मुझे तो काफ़ी अच्छा सा लगा यहाँ पे टेक्नो स्पार्क 8 मोबाइल, जो कि अभी शायद 2 महीने पहले ही लॉन्च हुआ ये नया मोबाइल है, तो आप भी इसको खरीद सकते हो यहाँ पे फ्लिपकार्ट ऑफलाइन में आपको शायद और भी सस्ता मिल सकता है, पर मैंने तो यहाँ पे ऑनलाइन मंगाया, तो शायद आपको जहाँ भी सस्ता मिले वहाँ पर आप ले सकते हो। पर जब भी मोबाइल लो तो सील पैक लेना, मतलब खुला हुआ मोबाइल मत लेना, क्योंकि वो मोबाइल एक्टिवेट भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि वीडियो में बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि आप ऐसी ही मज़ेदार वीडियोज़ मिस ना कर पाओ। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।